हेलो दोस्तों दोस्तों हमारी ऐप विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल के स्टोर में इकोनॉमिक्स और कॉमर्स सब्जेक्ट से रिलेटेड 250 से अधिक कोर्स हैं। तो दोस्तों अगर आप यूजी में हो या पीजी में हो या आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो या आपके पास यूजीसी नेट है या आप पीजीटी की तैयारी कर रहे हो या किसी और कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो जहाँ पर इकोनॉमिक्स और कॉमर्स सब्जेक्ट है तो आपके लिए हमारे पास कोर्स है। तो दोस्तों हमारी ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल। हेलो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे रोजगार के प्रतिष्ठित सिद्धांत की। तो बच्चों रोजगार का जो प्रतिष्ठित सिद्धांत है उसका जो प्रतिपादन है वो किया था एडम स्मिथ ने, रिकार्डो, माल्थस, जेबी से। तो ये जो अर्थशास्त्री ये प्रमुख हैं जो कि जिन्होंने रोजगार का प्रतिष्ठित सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो बच्चों ये जो रोजगार का प्रतिष्ठित सिद्धांत है ये मुक्त बाजार प्रणाली पर आधारित है। मुक्त बाजार प्रणाली का क्या मतलब है कि प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों का यह मानना था कि जितनी भी समस्याएं हैं, आर्थिक समस्याएं, उन सभी का समाधान करने की शक्ति जो है वो मांग और पूर्ति की शक्तियों में है। यानी कि पूरी तरीके से बाजार को मांग और पूर्ति की शक्तियों पर स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए, और अगर मांग और पूर्ति की शक्तियां पर छोड़ दिया जाता है तो पूर्ण रोजगार की स्थापना की जाना संभव है। उनका यह मानना था कि जितनी भी समस्याएं हैं उनकी 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 जो जड़ है वो है हस्तक्षेप, तो वो हस्तक्षेप के बिल्कुल विरोधी रहे। तो सेकंड पॉइंट में हमने लिखा हुआ है कि मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था में मांग और पूर्ति के स्वतंत्र कार्यकरण यानी कि स्वतंत्र जो मैकेनिज्म है उसके द्वारा ही पूर्ण रोजगार स्थापित किया जा सकता है। और उनका यह मानना था कि पूर्ण रोजगार अर्थव्यवस्था में एक सामान्य दशा है, और अगर मान लीजिए अगर कभी बेरोजगारी होती है, कभी अगर कोई अनएम्प्लॉयमेंट है, तो यह एक विशेष बात है। यानी कि उन्होंने पूर्ण रोजगार को सामान्य परिस्थिति माना, सामान्य स्थिति माना, और बेरोजगारी को विशेष स्थिति माना। इसलिए उन्होंने बेरोजगारी के समाधान करने पर कोई खास फोकस उन्होंने नहीं किया। उनका यह मानना था कि अगर हस्तक्षेप की नीति, हस्तक्षेप की मतलब लेजिस फेयर इकोनॉमिक पॉलिसी, मतलब बाजार की शक्तियों में किसी भी तरीके के नियंत्रण के खिलाफ थे परंपरावादी अर्थशास्त्री, यानी किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, और अगर यह हस्तक्षेप होता है तो उसी की वजह से असंतुलन पैदा होता है, अनएम्प्लॉयमेंट पैदा होती है। यानी कि परंपरावादी अर्थशास्त्रियों का यह विचार था कि जितने भी असंतुलन हैं अर्थव्यवस्था में जो आपको देखने को मिल रहे हैं वो सरकारी हस्तक्षेप की वजह से हो रहे हैं, इसलिए वो सरकारी हस्तक्षेप के बहुत खिलाफ थे। उनका यह मानना था कि मांग और पूर्ति की शक्तियां ही बाजार में सफिशियंट होती हैं। उनका यह भी मानना था कि पूर्ण रोजगार की स्थिति में अनैच्छिक बेरोजगारी की कोई संभावना नहीं है, मतलब उनका यह मानना था कि कोई बेरोजगारी नहीं पाई जाती, हालांकि संघर्षात्मक और संरचनात्मक बेरोजगारी संभव है। तो बच्चों संरचनात्मक बेरोजगारी का क्या मतलब है? संरचनात्मक बेरोजगारी का मतलब है जब आप एक काम को छोड़कर दूसरे काम में जाते हो तो जो समय लगता है, चाहे एक हफ्ते में आप बेरोजगार रहे चाहे एक साल के लिए बेरोजगार रहे, उस समय की वजह से जो आप जो बेरोजगारी का सामना कर रहे हो वो कहलाती है संरचनात्मक बेरोजगारी। संघर्षात्मक बेरोजगारी का मतलब है, संरचनात्मक बेरोजगारी का मतलब और संघर्षात्मक बेरोजगारी का मतलब मैं एक बार फिर से बता देता हूं। संरचनात्मक बेरोजगारी का मतलब है जब मांग में परिवर्तन आ जाए, तकनीक में परिवर्तन आ जाए या उत्पादन की प्रणाली में परिवर्तन आ जाए, उसकी वजह से जो बेरोजगारी पैदा होती है। और संघर्षात्मक बेरोजगारी का मतलब है जब आप एक काम को छोड़कर दूसरे काम में जाते हो तो उसकी वजह से जो अनएम्प्लॉयमेंट पैदा होती है उसको बोलते हैं संघर्षात्मक बेरोजगारी। ठीक है बच्चों, तो ये जो बेरोजगारी है दोनों ये संभव है, लेकिन ये दोनों की दोनों बेरोजगारी अल्पकालीन है और दीर्घकाल में कोई भी बेरोजगारी की समस्या नहीं होगी। अगर कोई बेरोजगारी की समस्या होती है अल्पकाल में तो मांग और पूर्ति की शक्तियां उसे स्वतः ही दूर कर देंगी, इसलिए किसी भी तरीके के हस्तक्षेप की, किसी भी तरीके की पॉलिसी निर्धारण की कोई आवश्यकता नहीं है, यह मानना था प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों का। प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों का ये जो सिद्धांत है ये जेबीसे के बाजार के नियम पर आधारित है। अगली वीडियो में बच्चों हम जेबीसे के बाजार नियम पे भी बात करेंगे। तो जेबीसे का बाजार नियम हमें बताता है कि पूर्ति अपनी मांग स्वयं अर्जित कर लेती है, यानी कि जितनी वस्तु का आप उत्पादन करोगे उतनी वस्तु की मांग क्रिएट हो जाएगी, जिसकी वजह से किसी भी प्रकार के मतलब एक तरीके से अति उत्पादन की या अल्प उत्पादन जैसी समस्या किसी भी देश में या किसी भी अर्थव्यवस्था में उत्पन्न नहीं होगी। इसलिए सभी प्रकार के नियंत्रणों को दूर रखना चाहिए, ऐसा प्रतिष्ठित सिद्धांत का मानना था। ये जो तीन प्रकार के बाजार होते हैं प्रतिष्ठित अर्थशास्त्र में, श्रम बाजार, मुद्रा बाजार और उत्पादक बाजार, तीनों ही बाजार में आप कह सकते हो संतुलन की अवस्था पाई जाती है। अगर श्रम बाजार की बात करें तो श्रम बाजार में संतुलन तब होता है जब श्रम की मांग और श्रम की पूर्ति बराबर हो। ठीक है, इसी तरीके से मुद्रा बाजार में तब संतुलन होता है जब मुद्रा की मांग और मुद्रा की पूर्ति बराबर हो, और उत्पाद बाजार में साम्य तब होता है जब बचत और निवेश बराबर हो। तो बच्चों इसके ऊपर, श्रम बाजार के ऊपर, संतुलन के ऊपर हम अलग वीडियो बनाएंगे।
मुद्रा बाजार में संतुलन के ऊपर भी हम अलग वीडियो बनाने वाले हैं और उत्पाद बाजार में संतुलन के ऊपर भी हम अलग वीडियो बनाने वाले हैं। तो बच्चों मैं आपको बता देता हूं कि ये सारी की यानी कि ये जो वीडियोस हैं इनमें से कुछ वीडियो हम अपनी प्राइवेट वीडियो के रूप में हम रखते हैं अपने पास में, यानी कि वो वीडियो आपको केवल हमारी ऐप है विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल वहां पे मिलेगी। उसमें आपको यूजी के, पीजी के, यूजीसी नेट के सारे कोर्सेज अवेलेबल है। तो आप हमारी ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल, वहां पर आपको वीडियो कोर्स के अलावा पीडीएफ नोट्स भी मिलेंगे, टेस्ट सीरीज भी मिलेगी। तो ये सारी चीजें बच्चों वहां पर अवेलेबल है। तो देखिए श्रम बाजार में और मुद्रा बाजार और उत्पाद बाजार के बारे में डिटेल करेंगे। फिलहाल मैं आपको बता देता हूं कि श्रम बाजार में संतुलन कब होता है, जब श्रम की मांग और श्रम की पूर्ति बराबर हो। श्रम की जो मांग है वो सीमांत आगम उत्पादकता, जिसको हम एमआरपी बोलते हैं, लास्ट आपने पढ़ा होगा वितरण का सिद्धांत माइक्रो इकोनॉमिक्स में, उस पर डिसाइड होती है। इसी तरीके से श्रम की जो पूर्ति है वो उसकी वास्तविक मजदूरी यानी कि डब्ल्यू अपॉन पी पर निर्भर करती है। तो बच्चों वास्तविक मजदूरी भी हमने डिफाइन किया है, फिलहाल मैं आपको दोनों के बारे में शॉर्ट में बता देता हूं। सीमांत आगम उत्पादकता क्या होती है? देखिए एक उत्पादक, एक साधन, एक श्रम जो है वो इसलिए उसकी मांग की जाती है क्योंकि उसकी उत्पादकता है यानी कि उसकी प्रोडक्टिविटी है। तो एमपी मान लीजिए, सपोज कीजिए श्रम ने 10 शर्ट का उत्पादन किया और एक शर्ट जो है वो पूर्ण प्रतियोगिता में 100 रुपए में बिकी, तो इसका मतलब उस श्रम के द्वारा टोटल जो उत्पादन किया गया है वो 1000 रुपए पर किया गया है। और उसकी मजदूरी कितनी दी जाएगी? उसकी मजदूरी भी आपको 1000 रुपए ही देनी होगी, वास्तविक मजदूरी, ऐसा मानना था परंपरावादी अर्थशास्त्रियों का। मुद्रा बाजार में संतुलन तब होता है जब मुद्रा की मांग, मुद्रा की पूर्ति बराबर हो। तो जो 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 आप कह सकते हो कि जो प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री थे उन्होंने जो फोकस किया वो मुद्रा की पूर्ति पर किया, और किस तरीके से कीमत स्तर में परिवर्तन होता है वो हम आपको आगे समझा देंगे। इसी तरीके से वस्तु बाजार में संतुलन तब होता है जब सामूहिक मांग, सामूहिक पूर्ति बराबर हो, और इस स्थिति में बचत और निवेश भी बराबर होंगे। तो बच्चों यह है पूरी की पूरी थ्योरी। प्रतिष्ठित सिद्धांत की अगर हम आलोचनाओं की बात करें, अगर हम इसके क्रिटिसिज्म की बात करें, तो कई इसकी आलोचनाएं भी हैं बच्चों। सबसे पहली आलोचना यह है कि जो प्रतिष्ठित सिद्धांत है वो पूर्ण रोजगार के स्तर पर होना आवश्यक नहीं है। मतलब इसमें माना गया है कि जो संतुलन होता है अर्थव्यवस्था में वो हमेशा पूर्ण रोजगार पर होता है, लेकिन वास्तविक जीवन में अगर आप देखोगे तो पूर्ण रोजगार की स्थिति पाई नहीं गई है। केन जी ने बताया कि संतुलन अल्प रोजगार की स्थिति में भी हो सकता है और अति रोजगार की स्थिति में भी हो सकता है। यह सिद्धांत दीर्घकाल में लागू होता है, लेकिन केन जी का यह मानना है कि दीर्घकाल में तो हम सब मर जाएंगे, तो इसलिए उन्होंने दीर्घकालीन समस्या के समाधान पर जोर नहीं दिया। दीर्घकाल में फुल एम्प्लॉयमेंट हो भी गई तो क्या हुआ, लेकिन उनका जो मेन फोकस रहा वो अल्पकालीन में रोजगार की समस्या को दूर करने पे रहा। इसलिए ये जो सिद्धांत है ये दीर्घकाल में ही लागू होता है। इसके अलावा बच्चों इसमें ये माना गया है कि बचत और निवेश ब्याज का फलन है, लेकिन वास्तविक जीवन में आप देखोगे तो बचत और निवेश दोनों ही आय पर निर्भर करता है, सॉरी बचत आय पर निर्भर करती है और निवेश जो है वो पूंजी की सीमांत कुशलता पर निर्भर करता है, जिसको कि इस सिद्धांत में कहीं पर भी ध्यान में नहीं दिया गया है। इस सिद्धांत जो यानी कि ये जो सिद्धांत है पूरा का पूरा ये पूर्ण रोजगार पर बेस्ड है। इसका मतलब ये सिद्धांत ये मानकर चल रहा है कि अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार है, लेकिन वास्तविक जीवन में आप देखोगे तो वस्तु बाजार और साधन बाजार में ये पूर्ण प्रतियोगिता की जो मान्यता है वो गलत है। वस्तु बाजार में पूर्ण प्रतियोगिता का मतलब है कीमत समान रहना, और साधन बाजार में पूर्ण प्रतियोगिता का मतलब है कि जो साधन की कीमत है वो सभी मतलब उसकी कीमत समान रहना, ऐसा होता नहीं है, ठीक है। और इसके अलावा रोजगार एवं उत्पादन मजदूरी का फलन नहीं है। तो बच्चों ये सारे के सारे हमने सिद्धांत के बारे में पढ़ा, आलोचना के बारे में पढ़ा, प्रतिष्ठित सिद्धांत की मान्यता के बारे में बात करें तो सबसे पहला तो एक बंद अर्थव्यवस्था है, यानी कि किसी भी तरीके के मुक्त बाजार प्रणाली पर कोई बात नहीं की गई इसमें। इसके अलावा सरकार हस्तक्षेप नीति को लेकर चलती है, ठीक है, यानी कि किसी भी तरीके का सरकारी हस्तक्षेप नहीं होता। जब सरकारी हस्तक्षेप नहीं होता तभी मांग और पूर्ति की शक्तियां स्वतः ही पूर्ण रोजगार को स्थापित कर लेंगी, ऐसा उनका मानना था। इसके अलावा वस्तु बाजार और साधन बाजार में पूर्ण प्रतियोगिता है। बच्चों एक बार मैं फिर से बता देता हूं, वस्तु बाजार में पूर्ण प्रतियोगिता का मतलब क्या है कि समान कीमत पर वस्तु उपलब्ध है, और साधन बाजार में पूर्ण प्रतियोगिता का मतलब है कि समान कीमत पर साधन उपलब्ध है। इसके अलावा इसमें एक स्थैतिक अर्थव्यवस्था को लेकर चला, यानी कि अर्थव्यवस्था में किसी भी प्रकार के परिवर्तन नहीं होते और मुद्रा का प्रयोग केवल विनिमय के माध्यम के रूप में किया जाता है। तो ये बच्चों इस सिद्धांत की मान्यता है। तो यही बेसिक सिद्धांत है, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको कंसेप्ट ठीक से समझ में आया होगा। बच्चों इस वीडियो में तो मैं आपको इतना ही करा रहा हूं, अगली वीडियो में हम आपको सिक्का बाजार नियम कराएंगे। तो बच्चों अगर आपको सारी की सारी वीडियो देखनी है तो आप हमारी ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू बच्चों।